हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर वीडियो ऑफ डेली करंट अफेयर्स। और आज हम 13 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और हमारी फ्री स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट के लिए आप हमें अपना नाम इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमारी ऐप BBoard को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारी पहली न्यूज़ है कि हंगर रीच्ड अलार्मिंग 10 ईयर हाई इन 2017 UN रिपोर्ट। तो गाइज UN की रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 2017 में वर्ल्ड की कुपोषण संख्या जो है वो बढ़कर 821 मिलियन हो गई है। 10 सालों में ये सबसे ज़्यादा है। और 821 मिलियन मतलब कि 9 में से एक व्यक्ति जो है वो कुपोषित है। और ये जो रिपोर्ट है गाइज ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूएन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में। एंड अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान होल्ड ट्राइपार्टाइट मीटिंग टू कंसोलिडेट कोऑपरेशन। तो अफगानिस्तान के काबुल में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय बैठक आयोजित हुई है गाइज। और इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था वो इन तीनों देश के सहयोग को मजबूत बनाना था। और इस मीटिंग के दौरान जो छाबर पोर्ट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है और उसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे जैसे कि आतंकवाद विरोध सहयोग को गहरा बनाना, तो इन सभी मुद्दों पर भी डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है गाइस वो ये है कि ये पहली त्रिपक्षीय मीटिंग है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान की जो कि उनके आपस में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए हुई है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज में। एंड अवर नेक्स्ट न्यूज इज कि सैमसंग ओपन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर इन बैंगलोर। तो गाइस सैमसंग ने अभी ही जुलाई 2018 में उसने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाली थी और अब उसने बेंगलोर में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। तो गाइज़ ये जो मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर है ये बेंगलोर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे फेमस बिल्डिंग है ओपरा हाउस यानी कि 33,000 स्क्वायर फीट की वो बिल्डिंग है। तो वहाँ पे उस बिल्डिंग को दोबारा से रीनोवेट किया गया है, उसको नया रूप दिया गया है। तो और वहाँ पे सैमसंग जो है अपने मोबाइल डिवाइसेस और बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का शोकेस करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में। एंड अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज़ की फर्स्ट एवर सेकेंडरी स्टील सेक्टर अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मिनिस्टर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पहली बार नई दिल्ली में सेकेंडरी स्टील सेक्टर अवार्ड वितरित किया है गाइस। और ये अवार्ड 26 मिनी स्टील कंपनीज को इंडियन इकोनॉमी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, जिसमें कि 12 कंपनीज को गोल्ड सर्टिफिकेट और 14 कंपनीज को सिल्वर सर्टिफिकेट दिया गया है उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में। एंड वन नेक्स्ट न्यूज इज़ की PM नरेंद्र मोदी अनाउंस लॉन्च ऑफ स्वच्छता ई सेवा मूवमेंट। तो गाइज महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह और स्वच्छ भारत अभियान की चौथी सालगिरह के अवसर में हमारे PM नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट के लॉन्च का अनाउंसमेंट किया है। और ये मूवमेंट जो है गाइज ये पूरे देश में 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह तक चलेगी। तो गाइज दिस इज इट, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे डेली करंट अफेयर्स के नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।